लखनऊ में कुछ वर्ष पहले हमलावरों की गोली का शिकार हुए कोतवाली हसनगंज स्थित कबीर मठ के प्रशासनिक अधिकारी 50 वर्षीय धीरेन्द्र दास को एक बार फिर दिन दहाड़े गोली मारी गई है। हालांकि इस बार भी धीरेन्द्र की जान ट्रामा सेंटर में खतरे से बाहर बताई गई है। जिस कबीर मठ के प्रशासनिक अधिकारी धीरेन्द्र दास को गोली मारी गई है वह मठ कोतवाली हसनगंज के डालीगंज इलाके में है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कुछ लोग मठ में शादी की बुकिंग कराने आए थे। बुकिंग के लिए हो रही बातचीत के दौरान कहासुनी हुई, जिसके बाद हुई गहमागहमी के बीच कथित रूप से धीरेन्द्र दास को दिन दहाड़े गोली मार दी गई। गोली लगते ही धीरेन्द्र दास घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। दिन दहाड़े हुई सनसनीखेज घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिसिया जांच में खुलासा हुआ है कि वर्ष 2015 में मठ में स्थित बारात घर के प्रशासनिक अधिकारी धीरेन्द्र दास पर गोली चली थी। जांच हुई तो मामला अंदरूनी निकलकर सामने आया था। इस बार भी प्रशासनिक अधिकारी के साथ हुई घटना में कुछ ऐसा ही होने की आशंका जताई गई है। ADCP ट्रांस गोमती राजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि घायल की हालत खतरे से बाहर है। पुलिस अधिकारी द्वारा मामले में आवश्यक कार्रवाई किए जाने की बात कही गई है। आज ये कबीरमठ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो बारात घर की बुकिंग इत्यादि करते हैं, श्री धीरेन्द्र दास जी, और किसी कोई बुकिंग कराने वाले ग्राहक के आने पर कोई विवाद होने की स्थिति में उनको गोली लगी है और वो सुरक्षित हैं। उनको ट्रामा सेंटर में इलाज किया जा रहा है और आवश्यक कार्रवाई विधि कार्रवाई की जा रही है। अमिताभ चौबे, जनमत न्यूज़, लखनऊ।